राशिदा समरा की बारात पे ही मैंने भांप लिया था, ये लड़की बड़ी तेज है और वैसे भी हमारा जवाब तो बड़ा भोला भाला है ना। हाँ भाई, उस लड़की की चालाकियाँ देखो, हम सबके खिलाफ जवाद को इस्तेमाल किया उसने। वैसे नरगिस, इससे पहले कि वो मजीद चालाकियाँ चलाए, तुम जवाद का रिश्ता तय कर लो। रिश्ता? हाँ भाई, माशाल्लाह शादी की उम्र हो गई है उसकी, स्मार्ट है, बाहर से पढ़कर आया है और अब तो उसकी जॉब भी लग गई है। अमीर से अमीर हसीन लड़की मिल सकती है उसे। सोचा तो मैंने भी यही है। तो बस करो ये सोचना और अमल करो। लेकिन एक बात है, इस बार अपने भांजे के लिए लड़की मैंने तलाश करनी है। हाँ, अरे क्यों नहीं, तुम खाला हो, तुम्हारा पूरा हक है, तलाश करो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लड़की मेरे जवाद के जोड़ की होनी चाहिए। तुम मेरी पसंद पे शक कर रही हो? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जवाद की पसंद। बस मुख्तार भाई मेरी पसंद पे राजी हो जाए। बड़ी बुरी आदत है, बाल की खाल निकालते हैं हर बात पे एतराज। हाँ जानती हूँ मैं, बहुत ही अक्खड़ मिजाज है मुख्तार। जब ही तो समरा के रिश्ते के लिए राजी हो गई मैं, लेकिन अब नहीं चलने दूंगी उनकी। हाँ वैसे नरगिस, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शादी मुख्तार भाई से नहीं हुई। तुम्हारा बड़ा हौसला है, मेरा गुजारा नहीं होना था इतने खड़ूस इंसान के साथ। वैसे नादरा, तुम भूलती नहीं हो कि मुख्तार की अम्मा ने तुम्हारी बजाय मेरा हाथ मांग लिया हमारे अम्मी अब्बा से, है ना? जब जब शुक्र करती हूँ ये बात याद आती है। और मुझे क्या परवाह, मेरी किस्मत में तो साबिर थे ना। और तुम जानती हो अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, कितना मोहब्बत करते थे मुझसे। मैं नहीं जानती, मुझे आदत नहीं है टोल लेने की। अब रानी, अब ले भी आओ चाय। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी मैं जवाब के लिए।